रूस और यूक्रेन के युद्ध में नई चिंगारी अमेरिका की तरफ से आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जब से अमेरिका ने हथियार फैक्ट्री दिखाई है, तभी से पुतिन ने यूक्रेन में हमले को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। पुतिन का आदेश काफी चौंकाने वाला है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 155 एमएम की आर्टिलरी शेल्स का जायजा ले रहे थे, यूक्रेन में सीरियल धमाके हो रहे थे। यूक्रेन का मिलिट्री एयरबेस ज़ेपोरिज़िया, खेरसों, खार्की, डोनेस्क। Ночью спала, раздался грохот. Я встала. Вікна вилетіли, щось пролетіло мимо мене. Я думала, що це снаряд. Мене струсило. Диму повна хата. Все це уляглося, тоді я встала, балакати не можу. І б'ють по цивільній. यूक्रेन की आग में रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा है। देश का हर दूसरा शहर रूस के हमले से तबाह हो रहा है। और इस बीच खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। इस मुलाकात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। एक महीने के भीतर दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। पिछले तीन महीने में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यह तीसरी मुलाकात है। ताजा मुलाकात में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच करीब 45 मिनट की बातचीत हुई। 76 दिनों में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के तीन बड़े किरदार देश रूस, यूक्रेन और अमेरिका का दौरा किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने तीनों देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। 8 जुलाई को पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिले, 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। भारत युद्ध का न तो समर्थन करता है न विरोध। भारत के इस न्यूट्रल रवैये की आलोचना भी हुई, लेकिन अब भारत खुद को पीस मेकर के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। यूक्रेन के दौरे के वक्त भी पीएम मोदी ने जो बयान दिया था, उसे एक बार फिर से समझने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत न्यूट्रल कभी नहीं रहा, भारत शांति का पक्षधर है। भारत की पीस मेकर की भूमिका को गौर से देखा जाए तो दोनों देश रूस और यूक्रेन बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, और बाइडेन ने भी पीएम मोदी के रूस यूक्रेन दौरे की तारीफ की है। भविष्य में इन प्रयासों का नतीजा बेहतर निकलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके पहले ज़ेलेंस्की को जिद पर अड़े नहीं रहना चाहिए, ना पुतिन को हमले पर हमले कर यूक्रेन के आम नागरिकों को मौत के घाट उतारना चाहिए।